असलकम जी सो so, हमारे पास एक के स्टडी है दैट रिंगिंग द डोर बेल एंड स्टेइंग आउटसाइड टू होम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इन एन एक्सट्रीमली अनकम्फर्टेबल एक्सपीरियंस थ्रू आउट तो एक्चुअली जो डोर बेल सिस्टम है दैट इज़ क्रिएटिंग अनकम्फ़र्टेबिलिटी और वहाँ पे डोर बेल रिंग करने के बाद देर इज़ अ वेरी लॉन्ग वेटिंग टाइम

तो ये एक केस स्टडी है और इसको हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और देखना है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे और इस केस स्टडी को सॉल्व करने के साथ साथ हमने इसको एक बिजनेस मॉडल में भी कन्वर्ट करना है ठीक है तो देर आर थ्री थिंग्स जो कि हमने देखा कि यू एक्सपेलर की तीन चीज़ें हैं पहला तो हम ये देखेंगे कि हमने इसका एक जो सोलूशन है वो प्रोवाइड करना है ठीक है तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के साथ साथ हम क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इसके अलावा इसका बिज़नेस मॉडल क्या होगा ठीक है और इन सब को देखते हुए हम एक डिज़ाइन बनाएंगे और वो डिज़ाइन एक वेबसाइट भी हो सकती है एक मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है इसके अलावा कोई हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकती है हार्डवेयर डिवाइस का डिज़ाइन भी क्रिएट करना पड़ सकता है सो so, ये हम डिसाइड करेंगे जब हम यूज़र्स के साथ एंगेज करेंगे या हम जब मार्केट रिसर्च करेंगे ठीक है तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि इस प्रॉब्लम का जो सोलूशन है वो किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया जा सकता है उसका बिज़नेस मॉडल क्या हो सकता है और वो क्या एक मोबाइल एप्लीकेशन होगी वेबसाइट होगी एक हार्डवेयर डिवाइस होगी तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डिसाइड बाय इंटरेक्टिंग विद द यूज़र्स और एक मार्केट रिसर्च करने के बाद ठीक है सो so, अगर हम सबसे पहले इस कंपनी की बात करें जो कि ये एक प्रोडक्ट बनवाना चाह रही है तो हमने देखा था कि सबसे पहले हम एक कंपनी रिसर्च करते हैं ठीक है ये जानने के लिए कि जो कंपनी हमारे पास आई है हम जिसके लिए ये सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं उसकी रेपुटेशन क्या है वो पहले किस तरह की प्रोडक्ट्स पे काम करती है ठीक है उसकी जो पास्ट प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह की हैं इसके अलावा वो किस ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है ठीक है उसकी पास्ट प्रोडक्ट्स किस तरह की हैं किस इंडस्ट्री के लिए है ठीक है तो यहाँ पे कुछ इन क्वेश्चंस का आंसर लेते हैं तो जब हमने कंपनी के साथ इंटरेक्ट किया तो हमें पता चला कि इसकी जो पास्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ होम uh, यूज़ेज के लिए होम और ऑफिस यूज़ेज के लिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो कि आपके बेसिक जो इश्यूज होते हैं उनका सोलूशन प्रोवाइड करती है ठीक है इसके अलावा जब ऑडियंस को देखा गया तो ऑडियंस के अंदर हमें पता चला कि मैरिड पीपल ठीक है प्रोफेशनल्स रिटायर्ड पीपल ठीक है तो अगर हम इनकी एज कैलकुलेट करें तो इट कैन बी अराउंड वी कैन कंसिडर टेंटी फाइव टू अराउंड सिक्सटी फाइव ठीक है तो ये इनकी टारगेट ऑडियंस है जिसके लिए ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं पास प्रोडक्ट्स ज़्यादातर होम और ऑफिसस के लिए ये लोग डिज़ाइन करते हैं रेपूटेशन इनकी कंपनी की अच्छी है और रेपुटेशन का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो ब्रांड के साथ भी है ठीक है तो हम ब्रांड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इमोशनल अटैचमेंट कैसी है इस कंपनी की लोगों के साथ सो पीपल कंसिडर्ड इट एज़ स्मार्ट सोल्यूशन प्रोवाइडर ठीक है जब भी इस कंपनी का नाम आता है उसकी उसके कस्टमर के जहन में उसकी ऑडियंस के जहन में सो दे कंसिडर दिस ब्रांड एज अ स्मार्ट सोल्यूशन प्रोवाइडर जो कि लोएस्ट प्राइस के अंदर उनको एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमें सिर्फ कंपनी को अंडरस्टैंड करें अब ये कंपनी कितनी प्रोफेशनल है तो हम उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं उससे हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो सकता है ठीक है हमारी इस कंपनी के साथ जो ई के थ्रू कम्यूनिकेशन होगी हमें उससे पता चल सकता है अगर हम इस कंपनी के ऑफिस को विज़िट करते हैं तो हमें उसे पता चल सकता है कि ये कंपनी कितनी प्रोफेशनल है या कितनी कैजुअल है ठीक है तो ईमेल्स के थ्रू विज़िट्स के थ्रू काफ़ी हद तक का अंदाजा किया जा सकता है तो इसे हम ये डिसाइड करेंगे दैट काइंड ऑफ़ अ प्रोडक्ट जैसे कि अगर हम कोई फॉर एग्जांपल मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो ऑडियंस को जहन में रखते हुए और इस कंपनी का जो इमेज है लोगों के जहन में और इस कंपनी का जो अपना कल्चर है उसको जहन में रखते हुए हम उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे चाहे वो एक हार्डवेयर डिवाइस होगी कोई वेबसाइट होगी या मोबाइल एप्लीकेशन होगी तो ये वो सारा प्रोसेस है जो हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं और इन सब क्वेश्चंस के आंसर गेट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो हमने विज़िट किया और यहाँ पर हमें पता चला कि इनका जो कल्चर uh, है दैट इज़ नॉट वेरी प्रोफेशनल दे आर वेरी कैजुअल दे फोकस ऑन द सल्यूशन्स ठीक है वो ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर करते हैं चाहे वो कैज़ुअल बिहेवियर के साथ एक बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए या एक प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ किया जाए दे प्रेफर द स्मार्ट सोल्यूशनस इसके बाद हम आते हैं जी इंडस्ट्री न्यूज़ और कंपेटिटर्स के ऊपर तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी स्मार्ट डोर बेल्स और देखते हैं कि जो डोर बेल्स हैं वो मार्केट में किस तरह की अवेलेबल हैं और हमारे कंपेटिटर्स कौन से हैं तो मैंने यहाँ पे एक लिंक खोला और लेट्स एक्सप्लोर कि हमें क्या डेटा मिलता है मार्केट रिसर्च के बाद ठीक है जी तो एक बड़ी ब्रीफ सी रिसर्च करने के बाद हमारे पास कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन आई है एंड द फर्स्ट वन इज़ के वायरलेस डोर बेल्स हैं और यू कैन सी पर्सन नेक्स्ट टू योर डोर ऑन योर फोन आपको कोई वायरिंग के साथ मैसअप नहीं होना पड़ेगा इट्स वेरी इजी टू इंस्टॉल इसके अलावा जी और हमें यह पता चला है कि आपको कोई वायरिंग या ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ेगी आराम से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि इस वक्त मार्केट में डोर बेल्स अवेलेबल हैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमें मिली कि आप उसको एलेक्सा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और एलेक्सा आपको बताएगा कि दैट हु इज़ आउटसाइड और आप एलेक्सा के थ्रू उस बंदे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं इसके अलावा इसमें मोशन डिटेक्शन है तो इसको मज़ीद एक्सप्लोर किया जा सकता है कि किस किस्म की मोशन डिटेक्शन है और वो हमें कैसे अलर्ट करेगी ठीक है और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आ, जो वीडियोस वो रिकॉर्ड करे तो 60 डेज़ के बैकअप के लिए क्योंकि वो अपनी वीडियोस को क्लाउड पे अपलोड करेगा तो वो उस क्लाउड का आ, चार्ज कर सकते हैं आपसे सो दिस इज़ गोइंग टू बी देर देर बिजनेस मॉडल एक तो वो हार्डवेयर आपको सेल करें एंड दैट इज़ सेकेंड इज़ कि वो जो आपका बैकअप वीडियोज़ हैं वो अपने क्लाउड पे स्टोर करने के लिए फॉर मोर देन सिक्सटी डेज़ आई थिंक Uh, कुछ इस तरह का इनका प्लान है तो उसके बाद दे विल चार्ज यू इसके बाद आप एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखें कि यहाँ पे जो मोशन डिटेक्शन है पीपल uh, की पैकेजेस की व्हीकल्स की तो वो थ्री मंथ ट्रायल के साथ आ रहा है तो जब आप आरलो स्मार्ट डोरबेल खरीदेंगे तो जो मोशन डिटेक्शन है वो पहले तीन मंथ्स के लिए तो आपको फ्री मिलेगी लेकिन उसके बाद यू विल हैव टू पे फॉर इट तो दिस इज़ गोइंग टू बी देयर बिजनेस मॉडल इसके बाद जो स्मार्ट डोरबेल्स आ रही हैं दे आर वाटर रेजिस्टेंट ठीक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो ये देखें हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमने जो अपना सोल्यूशन प्रजेंट करना है तो उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए ऑलरेडी मार्केट में किस तरह की डिवाइस अवेलेबल हैं और लोग किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो वन डिग्री व्यूंग एंगल आपको दे रहा है तो आप 180 डिग्री के ऊपर अपना जो फ्रंट है जहाँ पे आपने कैमरा इंस्टॉल किया है आप उसको देख सकते हैं इसके अलावा जी आ, आप अपनी वीडियोस को सिक्योर कर सकते हैं इनका जो क्लाउड है उसको इस्तेमाल करते हुए ताकि आप उसको एनी टाइम एनी वेयर कभी भी एक्सेस कर सकें और ये कुछ इमेजेस हैं जी स्मार्ट डोर बेल्स की तो आ, ये हमारे पास एक उनका डिज़ाइन है और बाकी जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो कुछ हमने समझने की कोशिश की है सो so, आप मज़ीद भी इसके ऊपर एक डिटेल रिसर्च कर सकते हैं और जान सकते हैं कि मार्केट में क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं और हमने थोड़े इनोवेटिव सोलूशन के साथ आगे सामने आना है हमने एक चीप सोलूशन के साथ सामने आना है और इसी मसले को हमने हल करने की कोशिश करनी है तो मार्केट रिसर्च के साथ साथ जो कम्पटर रिसर्च है वो भी आप इसी तरह से कर सकते हैं दिस इज़ आल्सो कंसीडर टू बी अ कम्पटिटर रिसर्च मे बी जो अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हार्डवेयर डिवेसिस बनाने जा रहे हैं तो ये जहाँ पर जो आरलो स्मार्ट है मे बी दे कैन बी योर कम्पैटर ठीक है ये जो रिंग के नाम से एक स्मार्ट डिवाइस है दिस कैन बी योर कम्पैट ठीक है तो आप मज़ीद इन डिवाइसेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि और इनमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं इनकी क्या प्राइस हैं ये किस किस ऑडियंस को सेल कर रहे हैं सो so आप मजीद इनके बारे में जान सकते हैं सो दिस इज़ अ वेरी ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन टू हाउ यू कैन कंडक्ट कंपेटिटिव रिसर्च हाउ यू कैन डू अ मार्केट रिसर्च और कुछ डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसकी बेस पे आ, अपने सोलूशनस डिज़ाइन कर सकते हैं ठीक है जी सो so अगले लेसन में मजीद इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं सी यू इन द नेक्स्ट लेसन थैंक यू सो मच